का रूल क्या काम आता है इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हैस के रूल की सहायता से संवहन की ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि विलयन की एंथैल्पी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अब होती क्या है ये विलयन की एंथैल्पी कि एक मोल यौगिक का निर्माण उनके स्थायी मूल तत्वों से होने पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे संवहन की ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसकी गणना है वो हैस रूल की सहायता से कर सकते हैं दहन की ऊष्मा की सहायता से। तो अपने विस्तार से इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में संक्रमण की ऊष्मा, संक्रमण की ऊष्मा होती है कि एक मोल कोई भी एक मोल एक रूप अपरूप है उससे दूसरे अपरूप में बदलने के लिए जितना ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे संक्रमण की ऊष्मा कहते हैं। जैसे मान लो कि एक मोल कार्बन का ग्रेफाइट रूप है और उसकी एक मोल कार्बन ग्रेफाइट से आपको एक मोल हीरा बनाना है, डायमंड बनाना है, इस दौरान एंथैल्पी में कितना परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, संक्रमण की ऊष्मा कहेंगे। जैसे या फिर अपने ऐसे कहें एक मोल रोम्बिक सल्फर है आप उसको मोनोक्लोरिक सल्फर में बदलना है तो कितना ऊष्मा में परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, अब संक्रमण की ऊष्मा कहेंगे। अब अभिक्रिया की ऊष्मा, कोई भी अभिक्रिया है उसमें कितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसकी गणना भी आप हैस रूल की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। और जल योजन की ऊष्मा, किसी भी कंपाउंड के साथ जल जुड़ता है तो कितनी ऊष्मा बाहर निकलती है उसे, एक मोल पदार्थ को जल में डालने पर कितनी ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहा जाता है जल योजन की ऊष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। उदासीकरण की ऊष्मा क्या होती है कि एक ग्राम तुल्यांक अम्ल व एक ग्राम तुल्यांक क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो इस घटना को उदासीकरण कहा जाता है। अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन व क्षार से प्राप्त OH आयन आपस में मिलकर जल का निर्माण कर लेते हैं, इस दौरान एक ऊर्जा बाहर निकलती है जिसे उदासीकरण की ऊष्मा कहा जाता है। तो उदासीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तुल्यांक होता है या फिर अपने जूल में बताएं तो 13.7 को 4.18 से गुणा कर दो तो 57.3 किलो जूल होता है। तो ये इनके बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संवहन की ऊष्मा ज्ञात करने में, हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात करने में। हीट ऑफ फॉर्मेशन संवहन की ऊष्मा, संवहन की ऊष्मा में होता है कि एक मोल बनना चाहिए, बनना क्या चाहिए, एक मोल ही बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, स्थाई मूल तत्वों से, मूल तत्वों से, स्थाई मूल तत्वों से यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले स्थाई मूल तत्वों से यदि किसी यौगिक का निर्माण एक मोल होता है तो इस दौरान जितना एंथैल्पी में परिवर्तन होता है इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन या संवहन की एंथैल्पी या विलयन की एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे देखो मान लो कि एक मोल ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं अपने, सॉरी बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं, C6H6 है, एक मोल बननी चाहिए और प्रकृति के अंदर स्थायी मूल तत्व तो कार्बन है, कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप होता है कि ग्रेफाइट और हाइड्रोजन का सबसे स्थायी अपरूप होता है वो H2 होता है। तो ये 6 है तो इसको 3 से गुणा कर दो और कार्बन 6 है तो इसको 6 से गुणा कर दो तो बन जाएगा एक मोल ग्लूकोज। दो ही चीजें हैं, दो से यानी कि ये प्रकृति के इसमें स्थायी मूल तत्व तो यही है। अब देखो इस ये संवहन की ऊष्मा की गणना अपने करेंगे दहन की ऊष्मा की सहायता से। मान लो कि कार्बन की दहन की ऊष्मा अपने को ज्ञात है कि कार्बन को जलाया जाता है यानी कार्बन ग्रेफाइट को जलाया जाता है, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना और पूरा जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तो यहां से क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। और मान लो कि इसके लिए डेल्टा एच का मान आपके न्यूमेरिकल आते हैं ऐसे और न्यूमेरिकल में डेल्टा एच के मान आपको दिए हुए होंगे, मान लो कि यहां पर मान जो भी दिया हुआ है उसको आपने ए कह दिया, डेल्टा एच का मान ए कह दिया। इसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन का दहन हो रहा है
यदि हाइड्रोजन का दहन हो रहा है तो हाइड्रोजन दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया और अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए, तो यहां पर जल का निर्माण हो जाएगा, तो ये गैसीय अवस्था में है और जल है वो प्रकृति के अंदर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए, जो भी दे रखा है उसको बी मान लिया। तो इनकी दहन की ऊष्मा अपने ने लिख ली है। बेंजीन की दहन, बेंजीन को जला दें अपने कि बेंजीन के ले दी बेंजीन तुम जल, जलेगा तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण होगा। इस दौरान जितनी ऊष्मा बाहर निकलती है उस डेल्टा एच का मान क्या होगा, सी होगा। तो डेल्टा एच का मान सी, तो अब देखो संतुलित कर लो, यहां पर कार्बन 6 है तो 6 CO2 बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन 6 है तो यहां पर 3 लग जाएगा, ऑक्सीजन 6 × 2 = 12 और 3 × 15 है तो 15/2 आ जाएगा। इसके लिए जो डेल्टा एच का मान है उसको सी कह दिया है। अब इन तीनों समीकरणों की सहायता से अपने इस समीकरण के मान यदि ज्ञात कर लें तो वो क्या हो जाएगी, संभवन की ऊष्मा आ जाएगी। इन तीनों समीकरणों को जोड़ बाकी गुणा भाग कर कर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो चाहे अपने इसके लिए गुणा करो भाग करो जोड़ करो घटाओ करो, ऊपर वाली समीकरण आनी चाहिए, यानी कि इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह दूं। इस ये संभवन की ऊष्मा, इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा एच होगा वो डेल्टा एच संभवन की ऊष्मा के इक्वल होगा। तो अपनों ने क्या किया, इसको यहां पर देखो यह समीकरण अपने को लानी है, ये मूल समीकरण है। इस समीकरण को लाने के लिए इस समीकरण को मैं 1 नंबर की समीकरण कह दूं, इसको मैं 2 नंबर की समीकरण कह दूं और इसको मैं 3 नंबर की समीकरण कह दूं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सॉरी दे दिए मैंने ऐसे ही इसको, और थोड़ा सा पता लग जाए आपको इसलिए डब्बे में बंद कर रहा हूं कि 1 नंबर समीकरण ये है और 2 नंबर समीकरण ये है और 3 नंबर समीकरण ये है। 1 नंबर समीकरण के लिए डेल्टा एच को ए कहा है, 2 नंबर समीकरण के लिए डेल्टा एच को बी कहा है और 3 नंबर समीकरण के लिए डेल्टा एच को सी कहा गया है। अब देखो यहां पर कार्बन है वो 6 है तो क्या करना चाहिए, अपने को 6 कार्बन चाहिए, तो समीकरण नंबर 1 को 6 से गुणा करने पर, तो आप ऐसे कहो कि समीकरण नंबर 1 को 6 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 6 से गुणा कर दिया जाए तो ये लो जी 6 से गुणा कर दिया जाए तो ये देखो 6 कार्बन हो गया प्लस 6 ऑक्सीजन हो गया और क्या बना है, 6 CO2 बन गया है। तो 6 से गुणा होने पर पहले जो इसके लिए डेल्टा एच का मान ए था, अब इसके लिए डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, 6 से गुणा कर दिया है तो 6A होगा, यानी कि जितनी भी संख्या से गुणा किया जाता है डेल्टा एच भी उतने ही गुणा हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 3 है तो अपने ऐसा करें हाइड्रोजन को 3 से गुणा कर दें, तो इसको 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि अपने ऐसे कहते हैं समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण दो को तीन से गुणा करने पर, क्यों 3 से किया गया गुणा, क्योंकि यहां पर 3 है इसलिए अपने को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 हाइड्रोजन है और 3 1/2 को 3 से गुणा करें 3/2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 3H2O आ जाएगा और इस अभिक्रिया के लिए जो डेल्टा एच आएगा वो 3B आ जाएगा, क्योंकि पहले बी था अब 3 से गुणा करने के पश्चात कितना आ जाएगा 3B आ जाएगा। तो यानी कि अपने इस समीकरण को इस प्रकार से गुणा कर देना है ताकि
ऊपर वाले समीकरण का इधर वाला पार्ट है वो बन गया। अब देखो इस जो नई समीकरणें बनी है उनको भी आप अंकन कर दो, उनको भी अंक दे दो। अब देखो यहां पर अपने छह करने के लिए इस समीकरण को छह से गुणा कर दिया। अब इसी समीकरण आगे काम आएगी तो इस समीकरण को अपने डिलीट कर देते हैं। ये डिलीटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये डिलीट हो गया। इस समीकरण को अब आप चार नंबर की समीकरण दे दो कि ये लो जी चार नंबर की समीकरण आई है, नहीं आई है वो, ये लो चार नंबर की। और इस समीकरण दो नंबर की समीकरण को यदि तीन से गुणा कर दिया तो ये नई समीकरण आ गई, इसको अपने पांच नंबर की समीकरण दे दो और इसको यही दे देता हूं मैं चार नंबर। और ये चार नंबर समीकरण कौन सी है, ये वाली समीकरण है और इसको नंबर मैं दे देता हूं पांच नंबर। और पांच नंबर समीकरण कौन सी है, ये वाली समीकरण है, वो पांच नंबर की है और इसको नंबर तीन पहले से दिया गया है। तो अब देखो समीकरण अपनी ये ऊपर वाली समीकरण लानी है, ये वाली लानी है तो इसमें यहां पर कार्बन है तो इसको और यहां पर हाइड्रोजन है इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि समीकरण चार व पांच को जोड़ दें, जोड़ भी दें अपने तो ऑक्सीजन ये फालतू का आ जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को घटाना पड़ेगा। तो समीकरण अपने ऐसा करना चाहिए समीकरण चार प्लस पांच, यानी कि चार व पांच नंबर समीकरण को जोड़ दिया जाए तो ये पांच नंबर की समीकरण थी और ये क्या थी चार नंबर की समीकरण थी। तो चार नंबर को और पांच नंबर की समीकरण को जोड़ दिया गया है, चार नंबर और पांच नंबर को जोड़ने के पश्चात अब क्या किया है जो तीन नंबर की समीकरण थी उसको घटा दिया गया है तो माइनस थ्री, यानी चार और पांच को जोड़कर माइनस तीन कर दो। तो देखो चार नंबर की समीकरण क्या थी, इसको जोड़ो कि बाई तरफ वालों को बाई तरफ लिख लो, दाई तरफ वालों को दाई तरफ लिख लो, बीच का निशान मैंने पहले लगा लिया है, इधर बाई तरफ है उनको इधर, दाई तरफ है उनको इधर। तो इधर क्या है इसके बाई तरफ सिक्स सी ग्रेफाइट प्लस सिक्स ओ टू और इधर क्या है सिक्स सी ओ टू। चार नंबर की समीकरण लिख लेगी, पांच नंबर की समीकरण क्या है थ्री एच टू, थ्री एच टू और थ्री बाई टू ओ टू है और इधर क्या है थ्री एच टू ओ है, तो थ्री एच टू ओ है और इसको घटाना है, इसको घटाना है तो माइनस कर दो, तो माइनस घटाने वाले को यहां पर माइनस से लिख रहे हैं तो माइनस सी सिक्स एच सिक्स माइनस पंद्रह बाय टू ओ टू ओ टू, ये अभिक्रिया हो रही है आगे। और इसके प्रोडक्ट के रूप में क्या है ये माइनस हो गए दोनों, ये माइनस हो गए और ये है ये इधर वाले में से माइनस हो जाएंगे, घटा रही है ना, तो माइनस सिक्स सीओ टू और माइनस थ्री एच टू। अब देखो जो कटते हैं उनको काट दो, देखो सिक्स सीओ थ्री सीओ टू से थ्री सीओ टू कैंसिल हो गई, ये थ्री सीओ टू से थ्री सीओ टू कैंसिल हो गई, यहां पर सिक्स सीओ टू सिक्स सीओ टू इधर है तो सिक्स सीओ टू से सिक्स सीओ टू कैंसिल हो गई तो यहां पर कुछ बचा ही नहीं। तो फिर क्या होगा इधर वाले को इधर लिया वो माइनस के हैं, उनको इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे। इधर देखो सिक्स कार्बन, देखो ध्यान से सिक्स कार्बन ग्रेफाइट है प्लस है। अब देखो छह सिक्स ओ टू और थ्री बाई टू ओ टू तो ये हो गया नाइन बाई टू सॉरी ये हो जाएगा
सिक्स और टू 12 और 15, 15 बाई टू ओ टू, तो ये देखो 6 ओ टू यहाँ पर है और 3 बाई टू ओ टू प्लस के हैं और ये 15 बाई टू ओ टू माइनस के हैं, तो ओ टू से ओ टू कैंसिल हो गया, बचा क्या 3H2 और ये माइनस वाला है इधर ले जाओ या फिर अगले स्टेप पे ले जाना कि माइनस C6H6 इज इक्वल टू क्या है 0, इधर वाला पूरा ही 0 हो गया था और इधर वाले इन ऑक्सीजनों से ये ऑक्सीजन कैंसिल हो गए। तो अब इस बेंजीन को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 इज इक्वल टू 6 C6H6 है और ये क्या है इसके लिए जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है डेल्टा एच F के बराबर होता है और ये किसके बराबर होगा जैसे देखो अपनों ने क्या काम किया था कि 4 और 5 को जोड़ा था और 3 को घटाया था, क्या किया था 4 और 5 को जोड़ा था और 3 को घटाया था, 4 का डेल्टा एच है वो 6A है तो 6A, 5 का डेल्टा है वो 3B है तो 5 का डेल्टा 3B, तो जिनको जोड़ा है तो उनके डेल्टा एच को भी जोड़ना पड़ेगा और जिसको घटाया है उनके डेल्टा एच को घटाना पड़ेगा, इसका डेल्टा एच सी था तो माइनस क्या हो जाएगा सी, और एबीसी के मान आपको न्यूमेरिकल में दिए हुए होंगे तो एबीसी के मान आप रखोगे तो जो डेल्टा एच आएगा तो वो डेल्टा एच इस अभिक्रिया के लिए होगा और जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा एच फॉर्मेशन यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन के क्या होगा बराबर होगा। तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की गणना इस की सहायता से आसानी से की जा सकती है। तो हैस के नियम की सहायता से ऐसी अभिक्रियाओं की ऊष्मा का निर्धारण किया जा सकता है जो प्रयोगशाला में संभव ही नहीं होती। तो अपने अगला है कि अभिक्रिया है कोई उसकी अभिक्रिया ऊष्मा निर्धारण में, जैसे मान लो कोई भी एक अभिक्रिया ऐसे है कि कोई कार्बन है वो जल रहा है कार्बन ग्रेफाइट है उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई है तो CO2 गैस बनी है, इसके लिए मान लो डेल्टा एच का मान ए है। इसी प्रकार से कार्बन का क्या हो गया कार्बन है उसका अपूर्ण दहन हो गया यानी ऑक्सीजन के साथ तो क्रिया हुई लेकिन पूरा दहन नहीं हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है, ये भी गैस है ये भी गैस है, इसके लिए मान लो डेल्टा एच का मान बी है। तो इसको अपने समीकरण नंबर एक कह दें, इसको समीकरण नंबर दो कह दें और समीकरण दो वन माइनस टू कर दें, समीकरण वन माइनस टू कर देंगे तो क्या होगा वन में से टू को घटा देंगे यानी कि बाई तरफ वालों में बाई तरफ वाला घटा दें और दाई तरफ वाले में दाई तरफ वाला घटा दें। जैसे देखो कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस ओ टू माइनस कार्बन ग्रेफाइट माइनस वन बाई टू ओ टू, इसमें से ये घटा दिया इसमें से ये घटा दो तो इजिकल टू कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन से कार्बन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहां पर O2 प्लस है और यहां पर O2 माइनस है लेकिन ये एक है ये आधा है तो ये प्लस का O2 क्या हो जाएगा बच जाएगा प्लस वन बाई टू O2 बच जाएगा और इधर देखें तो क्या बचेगा CO2 माइनस CO। अब CO को इधर ले जाओ, CO को इधर ले जाओगे क्या होगा कि CO प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO2 है। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच अपने ने क्या किया है कि समीकरण वन माइनस टू किया है, यहां पर देखो समीकरण समीकरण वन माइनस टू किया गया है, समीकरण वन माइनस टू किया है इसका अर्थ ये हो गया कि वन में से टू को घटाया है यानी कि वन माइनस टू किया है तो डेल्टा एच भी क्या होगा वन माइनस टू, वन वाले में से टू वाला घटेगा यानी कि ए माइनस बी होगा।
तो जैसा समीकरण को आप चेंज करते हो तो डेल्टा भी वैसा ही होता है। समीकरण 1-2 करने पर डेल्टा एच भी क्या होगा, 1-2 होगा, यानी कि ए माइनस बी होगा, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा आएगा वो 1-2 यानी कि ए माइनस बी वाला आएगा। क्यों? क्योंकि इस समीकरण को अपने 1-2 किया है, यानी कि कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसका डेल्टा ए माइनस बी होगा। तो इस प्रकार से कोई अभिक्रिया है उसका डेल्टा एच दूसरी अभिक्रियाओं की सहायता से अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जल योजन ऊष्मा का निर्धारण, यानी कि क्या होती है जल योजन की ऊष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जल योजन की ऊष्मा क्या होती है, यानी कि एक मोल कोई शुष्क पदार्थ है, यानी कि ड्राई सब्सटेंस है, एक मोल शुष्क पदार्थ को आप क्या करो, जैसे मान लो एक मोल ले लिया CaCl2, उसको क्या किया, जल में डाल दिया गया, तो इसके साथ क्या होगा, जल जुड़ जाएगा। मान लो 6 जल के अणु इसके साथ जुड़ गए, इस दौरान क्या होता है, ऊष्मा हो सकती है कि बाहर निकले, तो इसके लिए जो डेल्टा एच होता है उसे क्या कहा जाता है, जितनी तो डेल्टा एच माइनस का हो जाएगा, लेकिन इस डेल्टा एच को क्या कहा जाता है, जल योजन की ऊष्मा कहा जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि जल योजन की ऊष्मा है। तो यानी कि मान लो CaCl2 को जल में डाला, 6 जल के अणु इसके साथ जुड़ गए, इस दौरान एक ऊर्जा बाहर निकली, ऊष्मा बाहर निकली, इसी को क्या कहा है, जल योजन की ऊष्मा कहा है। और ये हेस के नियम की सहायता से बड़ी आसानी से ज्ञात की जा सकती है, यानी कि हेस इस को ज्ञात करने में बड़ी भारी मदद करता है। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांक क्षार, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल है उसके साथ मिलता है कोई 1 ग्राम तुल्यांक क्षार, तो यह आया 1 ग्राम तुल्यांक क्षार। जब आपस में क्रिया करते हैं 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांक क्षार, तो क्या बनता है, जल बनता है, और साथ में क्या बनता है, साल्ट बनता है, लवण बनता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से जल और क्या बनता है, लवण बनता है, और इस दौरान एक ऊर्जा है वो बाहर निकलती है, एक ऊष्मा है वो बाहर निकलती है, इसे ही क्या कहा जाता है, उदासनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको डेल्टा एच कहते हैं। इसका मान होता है वो होता है 13.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तुल्यांक होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है 13.7 किलो कैलोरी, या फिर डेल्टा एच का मान जूल में बताना हो तो -57.3 किलो जूल प्रति ग्राम इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 13.7 किलो जूल ग्राम तुल्यांक होता है, प्रति ग्राम तुल्यांक होता है, यानी कि अपने ऐसे कह दे 1 ग्राम तुल्यांक एसिड, एक ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, उसने क्रिया की 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ है, तो उदासनीकरण हो गया, जल बना और साल्ट बना है, और साथ में ऊष्मा निकली है, इसी ऊष्मा को क्या कहा जाता है, उदासनीकरण की ऊष्मा कहा जाता है। और इसके जो मान होते हैं वो 13.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तुल्यांक या माइनस चिन्ह यह बताता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है। यदि ऊष्मा बाहर निकलती है ना, तो डेल्टा एच का मान कैसा आता है, नेगेटिव आता है। यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो डेल्टा एच के मान में क्या, डेल्टा एच का मान कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ग्राम तुल्यांक की गणना ग्रामों में भार अपॉन तुल्यांक की भार की सहायता से की जा सकती है। ग्राम तुल्यांक याद करना हो तो ग्रामों में भार बटे तुल्यांक की भार,
होता है। जैसे मान लो 1 ग्राम तिलांक HCl लिया है, अम्ल ले लिया आपने 1 ग्राम तिलांक HCl, प्रबल अम्ल है, 1 ग्राम तिलांक प्रबल क्षार लिया है, जैसे मान लो NaOH ले लिया है, तो क्या बनेगा, साथ में जल बनेगा। क्यों बनेगा जल, क्योंकि अम्ल है उससे प्राप्त H प्लस आयन और क्षार से प्राप्त OH माइनस आयन क्रिया कर क्या बना लेगा, जल बना लेगा, या मैं ऐसे कह दूं HOH। अम्ल से H आया और क्षार से OH आया तो ये जल बन गया, और साथ में क्षार बना है वो क्या बना है, यहाँ पर NaCl बना है, और ऊर्जा बाहर निकलेगी वो कितनी होती है, -57.32 किलो जूल प्रति ग्राम तुल्यांक होती है, ग्राम इक्विवेलेंट होती है। यानी कि ये HCl था, ये स्ट्रोंग एसिड था। HCl कैसा था, स्ट्रोंग एसिड था, और NaOH कैसा था, वीक एसिड था। और चाहे अम्ल स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो, ये हमेशा ऊर्जा है वो इतनी बार निकलती है, एसिड से स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो, ऊर्जा हमेशा 57.3। अब यदि कोई एक दुर्बल आ जाए, एक ये तो दोनों ही प्रबल थे, स्ट्रोंग स्ट्रोंग थे, एक मान लो कोई दुर्बल आ गया अब की बार, और वीक वीक बेस आ गया, मान लो एसिड तो स्ट्रोंग ही है कि HCl ही है, लेकिन वीक क्या आ गया, मान लो NH4OH आ गया, तो एक तो स्ट्रोंग एसिड है, ये तो स्ट्रोंग एसिड है, लेकिन इसके साथ ही है वो क्या है, वीक बेस है, तो फिर क्या बनेगा, एक तो जल बनता ही है और साथ में क्या बन जाएगा, NH4Cl। ऊर्जा डेल्टा एच है वो इतनी बाहर निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर जो बाहर निकली है ऊर्जा वो है कि 51.34, यानी 51.34 ऊर्जा बाहर निकली है, निकलनी कितनी चाहिए थी, 57.32 ही निकलनी चाहिए थी, लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा है वो 51.34 ऊर्जा बाहर निकली है। तो बाकी मात्र तो आपको पता है किलो जूल प्रति ग्राम तुल्यांक बाहर निकली है, यानी कि इसके लिए डेल्टा एच का मान कितना आया, -51.34 किलो जूल प्रति ग्राम तुल्यांक। अभी अपने ग्राम इक्विवेलेंट, अभी अपने कहा था चाहे कोई अब प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, ऊर्जा हमेशा 57.32 ही बाहर निकलती है, यानी कि ऊर्जा इतनी बाहर निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकली इतनी बाहर क्यों है, कुछ ऊर्जा दुर्बल के वियोजन में काम आ गई, तो वियोजन में कितनी ऊर्जा काम आ गई है, निकलनी चाहिए थी इतनी, निकली है इतनी, इसका मतलब कितनी ऊर्जा वियोजन में काम आ गई, तो दुर्बल जो भी दुर्बल है उसकी वियोजन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने ऐसे कहते हैं कि NH4OH की वियोजन ऊर्जा क्या होगी, तो वियोजन ऊर्जा होगी वो निकलनी चाहिए थी अपने 57.32 किलो जूल प्रति ग्राम इक्विवेलेंट है, इतनी ऊर्जा बाहर निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकली कितनी है, वो 51.34 बाहर निकली है, तो 51.34 ऊर्जा बाहर निकली है, तो अंतर कितने का आ गया, वो इसकी क्या हो जाएगी, वियोजन ऊर्जा हो जाएगी, तो इनको घटा दो, ये आया 5.98, तो ये लगभग 6 आ गया, ये आया 5.98 किलो जूल ऊर्जा है, इसके वियोजन में काम आ गई, तो ये इसकी क्या होगी, वियोजन ऊर्जा है, यानी कि इस न्यूट्रलाइजेशन उदासीकरण ऊष्मा की सहायता से अपने ये भी ज्ञात किया जा सकता है कि जो दुर्बल है उसकी वियोजन ऊर्जा कितनी होगी। एक साथ में अपने स्ट्रोंग रखना पड़ेगा, एक को स्ट्रोंग रखा है, अपने को पता है कि 57.32 ऊर्जा निकलनी चाहिए, इतनी निकलती है हमेशा, लेकिन जो दुर्बल होता है उसके कोई भी एक दुर्बल ले लेंगे तो इतनी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती, निकलनी इतनी चाहिए थी लेकिन इतनी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती, कम निकलती है, तो कम क्यों निकलती है, जितनी कम निकलती है इसका मतलब है वो
है वो दुर्बल के विवेचन के काम आ गई। तो इसकी सहायता से कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसकी विवेचन ऊर्जा है वो आसानी से ज्ञात हेस के नियम की सहायता से की जा सकती है। यानी कि ग्राम तुल्यांक याद करने के लिए ग्रामों में भार में तुल्यांकी भार का भाग दे दिया जाता है।